Hello friends, welcome to SRB Science. In this video we will talk about 11th NCERT chapter 2 biological classification. बहुत ही important chapter है. medical preparation के लिए ये chapter fingertips पर होना चाहिए, ठीक है. biological classification, first topic classification. what is classification? five kingdom classification given by R.H. Whittaker, scientist name R.H. Whittaker. बहुत important नाम है R.H. Whittaker. इन 1969, ठीक है, आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में, कॉल्ड ऑल्सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम्स थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. अपन पहले पढ़ चुके हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सब मोनेरा में आते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं, फंजाई, माइकोटा, जितने भी कवक हैं वो फंगस में आते हैं, फंजाई में आते हैं, प्लांटी, जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांटी में आते हैं, एनिमेलिया, जितने भी एनिमल्स हैं, जंतु हैं, वो एनिमेलिया किंगडम में आते हैं. क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन, जितने ये फाइव किंगडम्स जो हैं डिवाइड किए गए किन बेसिस ऑफ क्राइटेरिया पे, उनको डिवाइड करने के बेसिस क्या थे, कौन कौन से क्राइटेरिया थे जो आर एच विटेकर ने दिए, वो ये थे. सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. सेल्स का स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन का मोड, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जाति वृत्तीय संबंध. ठीक है, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में इस वीडियो में. मोनेरा, जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा से. ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. बैक्टीरिया के मेन दो ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है, इनके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं, दो टाइप के. ठीक है, ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वयंपोषी हिंदी में, हेटरोट्रॉप्स मतलब विषमपोषी हिंदी में. ठीक है, हिंदी मीडियम्स कोशिश करना कि इंग्लिश टर्म्स ही आपको याद रहे. ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, स्वयंपोषी मतलब अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं या खुद बना लेते हैं. ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप से अपना भोजन बनाते हैं. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करके, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब केमिकल सिंथेटिक के द्वारा सिंथेसिस करके. ठीक है, हेटरोट्रॉप्स विषमपोषी दो टाइप के होते हैं, या तो वो अदर ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट होंगे या डिपेंड करेंगे, या फिर डेड मैटर पे डिपेंड करेंगे. फर्स्ट अपन पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में. आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरियाज का वो ग्रुप है जिसमें वो बैक्टीरियाज आते हैं जो कि मोस्ट हार्स हैबिटेट में रह सकते हैं, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट हो, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, ये एग्जाम्पल्स हैं. और उनको क्या बोलते हैं, वो नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज जिसको अपन बोलते हैं हेलोविल्स, हॉट स्प्रिंग्स जिसको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स, मार्शी एरियाज मतलब दलदली क्षेत्र जिसको बोलते हैं मेथेनोजेंस, जहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, अब क्या रीज़न है या क्या इसमें इनमें क्वालिटीज़ क्या पाई जाती है जिसके द्वारा ये जिसकी हेल्प से ये ऐसी हैबिटेट में रह सकते हैं? तो इनकी क्वालिटी होती है कि इनके सेल वॉल में ब्रांच्ड लिपिड चैन पाई जाती है. ठीक है, इनके सेल वॉल में ब्रांच्ड लिपिड चैन पाई जाती है जिसके कारण या जिसकी हेल्प से ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं. ठीक है, तो अब मेथेनोजेंस क्या होते हैं? मेथेनोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन गैस, CH4 मेथेन गैस. मेथेनोजेंस मेथेन गैस के निर्माण में या मेथेनोजेंस की प्रोडक्ट सॉरी मेथेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. और मेथेनोजेंस और कहाँ पाए जाते हैं? मेथेनोजेंस गट ऑफ द सम रूमिनेंट एनिमल्स. रूमिनेंट एनिमल्स मतलब जुगाली करने वाले जंतुओं या जानवरों के आंतों में, गट में पाए जाते हैं. ठीक है, एग्जांपल है काउज और पफेलोस. फिर अपन पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में. सेकेंड ग्रुप होता है यू बैक्टीरिया. ठीक है, जिसको अपन ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, सत्य जीवाणु. ठीक है, यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, बहुत ही कठोर होती है. अगर ये मोटाइल है तो एक फ्लैजेला पाया जाएगा. अब न्यूट्रिशन के बारे में इनका, फोटोसिंथेटिक. ठीक है, फोटोसिंथेटिक वो बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं, या प्रकाश की लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं. इन बैक्टीरियाज में क्या होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं मगर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करते. ठीक है, लेकिन इसका एग्जाम्पल है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको अपन बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और ऑक्सीजन भी देता है. ठीक है,
क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए वो पिगमेंट है जो प्लांट्स में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यू बैक्टीरिया का टाइप है, ठीक है। फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस, मतलब तीनों टाइप में पाया जाता है। यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस, तीनों टाइप में पाए जाते हैं। जो कॉलोनियल होते हैं वो सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ, जिलेटिन की लेयर के द्वारा ये ढके हुए होते हैं, लेयर्ड होते हैं। कौन? कॉलोनियल जो इसका टाइप है ब्लू ग्रीन एल्गी का, वो जिलेटिन के शीत के द्वारा ढका हुआ रहता है, जो कि हेल्प करता है या जो कि वाटर बॉडीज़ को, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में वाटर ब्लूम बना के पॉल्यूशन में या पॉल्यूटेड करता है या पॉल्यूशन में हेल्प करता है बोलना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा हेल्प होती है? कॉलोनियल जो बैक्टीरियाज होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके ऊपर जिलेटिन की शीत होती है। ये कॉलोनियल जिलेटिन की शीत वाले बैक्टीरियाज क्या करते हैं? वाटर ब्लूम बनाते हैं और वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूटेड करते हैं। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, एग्जाम्पल्स है नॉस्टॉक एनाबिना। नॉस्टॉक एनाबिना में एक सेल पाई जाती है, स्पेशल सेल होती है, स्पेशल सेल होती है जिसको अपन बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट सेल का नाम है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट कैन फिक्स एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन। तो हेट्रोसिस्ट जो होती है एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन, मतलब वातावरणीय नाइट्रोजन को फिक्स करती है या फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हेट्रोसिस्ट, बहुत बार पूछा जा चुका है कि हेट्रोसिस्ट क्या है, या ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में जो सेल पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, मतलब हेट्रोसिस्ट नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यही याद रखना, ठीक है। फिर हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, हो गया अब हो गया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषी, ये अप्रकाश संश्लेषी, ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं इसको, कीमोसिंथेटिक को। ये फोटोस एनर्जी का यूज़ नहीं करते, मतलब लाइट एनर्जी का यूज़ नहीं करते, ये केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। रासायनिक ऊर्जा जो है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है इनको। ये किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ठीक है, और इनसे ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर इनसे जो एनर्जी यूज होती है उसका यूज़ किस में करते हैं? एटीपी प्रोडक्शन के लिए करते हैं। प्ले रोल इन रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सॉरी रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। एक तो ये क्या करते हैं, इनसे ऑक्सीडाइज करके इसको एनर्जी प्राप्त करते हैं और इस एनर्जी का यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। सेकेंड है, इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। किन न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग के हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। नाइट्रोजन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया, ठीक है। फिर होता है हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट नेचर इन पाए जाते हैं। किस कौन? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है डिकम्पोजर के रूप में, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक। मोस्ट एबंडेंट होते हैं ये और डिकम्पोजर के रूप में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम्पल्स, कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना सकते, तो या तो ये मृत इनऑर्गेनिक पदार्थ पे यूज़ होते हैं या फिर पैरासिटिक रूप पे यूज़ होते हैं ये, ठीक है। पैथोजन के रूप में ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स में पाए जाते हैं। डिसीज इनसे होती है कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, ये प्लांट्स की डिसीज़ है। फिर होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज जिसको हिंदी में बोलते हैं सहजीवी जीवाणु, ये जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन पदार्थ और जो होते हैं जैसे एमिनो एसिड, NO3 या फिर अमोनिया के जो और लवण होते हैं उनमें परिवर्तित कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, तो ये बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। राइजोबियम एग्जांपल है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फर्स्ट वेजिटेटिव, वेजिटेटिव बैक्टीरिया मेनली होता है, ठीक है, या तो होता है बडिंग के द्वारा या फिर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मोस्ट एबंडेंट है, मतलब मेनली तो बाइनरी फिजन के द्वारा ही होता है, ठीक है। फिर है सेकेंड
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, प्रतिकूल प्रवस्था है, प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है, तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है। और ये स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब तक वो वैसे ही रहते हैं, फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो दोबारा से जीवित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसको स्पोर्स बनाएंगे ये, ठीक है। फिर तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप होते हैं, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन होता है जो कि इसीरिया कोलाई में खोजा गया था, ठीक है, लेडरबर्ग और टेटम के द्वारा, साइंटिस्ट लेडरबर्ग और टेटम के द्वारा खोजा गया था कॉन्जुगेशन, ठीक है। फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये खोजा गया था साइंटिस्ट ग्रिफिथ के द्वारा, ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी खाली हल्का फुल्का नाम याद रखना। कॉन्जुगेशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है बैक्टीरियाज में, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन दिया गया था साइंटिस्ट लेडरबर्ग और टेटम के द्वारा इस्टीरिया कोलाई में। सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ग्रिफिथ ने दिया था डिप्लोकोकस निमोनाए बैक्टीरिया में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दो टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अगर आएगा तो टिक होगा माइकोप्लाज्मा, अगर क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट सेल तो टिक होगा वायरस। लिविंग सेल आएगा तो माइकोप्लाज्मा टिक करना है, और स्मॉलेस्ट सेल आएगा तो वायरस टिक करना है, ठीक है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी पैथोजन के रूप में ये पाए जाते हैं, इनसे बहुत सारी बीमारी होती है जो आगे अपन पढ़ेंगे डिजीज ने। माइकोप्लाज्मास जो होते हैं वो बहुत सारे डिजीज फैलाते हैं, या डिजीज के रूप में पैरासाइटिक के रूप में रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में डिटेल ये सिर्फ एनसीईआरटी के बारे में था, एनसीईआरटी में जितना दिया है वो जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।